पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वृद्ध महिला के घर से 7 पेटी शराब जब्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई पर आरोपी महिला ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके यहां शराब पहुंचाई गई थी, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अवैध शराब के मामले में पुलिस ने जिस महिला को गिरफ्तार किया है, वो महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि यह शराब उसके यहाँ भट्टी संचालक के मैनेजर चिंटू जायसवाल ने पहुंचाई है। चिंटू ने फोन करके उसे कहा था कि अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेना। वृद्ध महिला ने कहा कि पुलिस उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर थाने ले जा रही है, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। बता दें कि शराब भट्टी संचालक मैनेजर चिंटू जायसवाल गांव गांव में शराब पहुंचा रहा है। पुलिस को इस बात की जानकारी है, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया आपने, उसमें हमारे निगरी चौकी थाना जो प्रभारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उनको मुखबिर से सूचना मिली कि कहीं पर किसी जगह पर शराब रख के विक्रय किया जा रहा है। उसी सूचना पर उन्होंने मुखबिर को अपने साथ लिया और उसके साथ जाकर जब रेड की तो वहाँ महिला शराब विक्रय कर रही थी। उसके पास 58 लीटर शराब मिली। महिला जो आरोपी थी उसको बनाया गया, उसमें महिला चौकी प्रभारी खुद मौजूद थी और उसके बाद उनके द्वारा ही वैधानिक कार्रवाई उसमें की गई है और उनके साथ जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे वो भी इसमें कार्रवाई में शामिल थे। इसके बाद जो आपका एक है कि किसी मैनेजर के द्वारा ऐसा ऐसा शराब विक्रय करने के लिए उसको दिया गया था, ये तथ्य की जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगर इसमें किसी तरह का तथ्य आता है तो पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।